जिले में भ्रष्टाचार के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। शासन हर तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया व डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास असफल दिखता है। बड़वानी जिले के जनपद पार्टी के ग्राम लिंबी में 15,99,109 रुपए का भ्रष्टाचार जिला पंचायत की जांच टीम के जांच प्रतिवेदन में सामने आया है। बड़वानी भ्रष्टाचार में टॉप की श्रेणी में है। समय समय निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। अब ताजा मामला सामने आया है बड़वानी जिले के पाटी जनपद की ग्राम पंचायत लिंबी का। लिंबी ग्राम पंचायत में 15,99,109 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यह खुलासा जिला पंचायत की जांच टीम ने किया है। पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्य, पंचायत भवन, सुदूर सड़क निर्माण, चबूतरा निर्माण, जलाशय निर्माण आदि में सरपंच, सचिव, सहायक सचिव ने बेखौफ भ्रष्टाचार किया। शिकायतकर्ता, वालसिंह कार्यकर्ता, जागृत आदिवासी दलित संगठन ने समस्त सबूतों के साथ शिकायत की थी, जिसके कारण लिंबी सरपंच फतिया जमरे पर 7,99,555 रुपए, कैलाश सोलंकी सहायक सचिव पर 25,000 रुपए और सचिव सुखदेव मालवी पर 7,51,509 रुपए और पंचायत समन्वयक यशवंत आर्य पर 22,945 रुपए की वसूली योग्य राशि की जांच प्रतिवेदन में कहा गया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम वालसिंह। किस पद पे हो संगठन? मेरे संगठन का जो ना अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता। क्या शिकायत की थी लिंबी की? मैंने लिंबी के ये शिकायत किया था कि जो ना जो भ्रष्टाचार हुआ था लिंबी में, पंचायत जो ना 14,75,000 का जो ना सेंशन हुआ था, उसमें से जो ना अभी तक जो ना पंचायत का जो ना सब पैसे निकल चुके, सिर्फ 10 रुपये बचे हैं और पंचायत जो ना आधारी पड़ी, अभी भी जो ना 4-5 लाख रुपये और लगेंगे पंचायत में, उसका जो ना पूरे पैसे खा गया, 10 रुपये बचे हैं। बाकी जो ना ये चपाल जो ना 2-2 लाख का जो ना 2 चपाल था, दोनों चपाल नहीं बना, सिर्फ जो ना कागज़ पे उसको जो ना बना के दे दिया, उसकी भी जांच किया तो वो भी सही पाया गया, दोनों चपाल पंचायत भी अधूरी पाई गई। और सीसी रोड जो ना 11,11 लाख की 3 थी, वो भी जो ना कंप्लीट नहीं हुई है, सीधा रोड। और सीसी रोड बनाए थे जो ना 5 लाख जो ना 65 लाख का, वो भी जो ना मजदूरों को जो ना 5,06,000 रुपये जो ना अभी तक नहीं मिला, 1,05,000 रुपये अभी तक मजदूरी नहीं मिली। जांच रिपोर्ट में क्या? जांच रिपोर्ट में वो पाया गया कि सही पाया गया कि मजदूरी भी निकल चुकी। कितना भ्रष्टाचार किया जांच रिपोर्ट के? जांच रिपोर्ट में जो ना वैसे तो हमने जो ना पूरा जो ना शुरू में निकाला तो जो ना 54 लाख रुपये थे, अभी सरकार ने जांच किया तो उसमें जो ना 15 लाख जो ना 95,000 रुपये निकाला है। 3 लोगों पे, 1 लोगों के ऊपर जो ना 4 लोगों के ऊपर, 1 लोगों के ऊपर जो ना 24,000 रुपये आगे पे आज जो ना मंत्री है वो देख रहे करने वाले, और रोजगार साइड पे जो ना 25,000 रुपये है, और मंत्री सुखदेव पे जो ना 7 लाख रुपये है, और सरपंच के ऊपर जो ना 8 लाख रुपये है। इतने जो ना उनका कुल मिलके जो ना 15 लाख जो ना 95,000 का जो ना इकुरी निकली है। अब जहाँ से जो ना संतुष्ट तो नहीं है, पर जो ना अभी जितने जो ना पाया गया उतना जो ना फिर आचार संहिता लग गया, उसमें जो ना फाइलन हो गया। आपने थाने में रिपोर्ट करी है? थाने पे भी एक आवेदन दिया है और जो ना एसपी कार्यालय में भी दिया है, कलेक्टर भी दिया है। नहीं हुई थाने की जाँच नहीं हुई, और वो थाने वाले कहते हैं कि जो ना जो जिला पंचायत हमको जो ना लिख के देंगे तो हम जो ना उसको FIR करेंगे। अब वो जिला पंचायत वाले जो ना कह रहे कि हम पहले नोटिस निकाले, नोटिस के आधार पर हम जो ना FIR की कापी देंगे, पर अभी तक उसको हुआ नहीं। आचार संहिता से पहले से उनकी जांच रिपोर्ट जो ना कंप्लीट हो गई, पर आज तक जो ना उनके ऊपर ना कार्रवाई हुई। अधिकारी बचा रहे हैं उनको? अधिकारी बचाने में पूरे कुल मिलकर लगा है ऐसा जो ना हमारा मानना है, क्योंकि जो ना आगे अभी तक जो ना उसके ऊपर जो ना नोटिस निकाला कह रहे हैं, पर जो ना अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ना जो ना चौपाल बना है, ना पंचायत बनी है, ना जो ना वो मजदूर का पैसे मिला है, अभी तक जो ना नहीं मिला है। तो यही हम शिकायत लेके जो ना आशा करते प्रशासन पे, पर शिकायत करने वाले अगर जो ना ऐसा मेहनत करके जो ना इतने जो ना करने के बाद भी जो ना प्रशासन जो ना इतनी जो ना इसको छूट देती है, तो जो ना आगे जाके जो ना कोई शिकायत करने वाला नहीं बचेंगे, ऐसा हमारा मानना। सर, ग्राम पंचायत लिंबी में क्या समस्या है मामला? लिंबी के कुछ ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन लोगों ने शिकायत कर दी सरपंच सचिव के विरुद्ध कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ, सीसी रोड वगैरह जो बने हैं, सुदूर ग्राम संपर्क सड़क बने हैं, कुएँ बने हैं आदि। तो वो जाँच के मतलब उसमें जो उन्होंने शिकायत की थी वो सीओ जिला पंचायत को की थी, और वरिष्ठों के आदेश से फिर हमने वहाँ पे एक टीम बना के वो जाँच की। जाँच में जो तथ्य पाए गए थे वो कुछ सही निकले, और उसी आधार पर हमने ये देखा कि वास्तव में कुछ कमियाँ जो थी उस कमियों के कारण उसकी वसूली निकाली गई।